अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रग पेडलर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उसे मुंबई से गिरफ्तार कर नागपुर लाया गया है। बुधवार को अदालत में पेश कर उसे पीसीआर में लिया गया है। मामला गिट्टी खदान थाने से जुड़ा हुआ है। प्रकरण में अब 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नाइजीरिया निवासी आरोपी ड्रग पेडलर एंथोनी ओग्नेवा इवोके वर्तमान में मुंबई के पालकर जिले के बसे में रह रहा था। एंथोनी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर है। देश विदेश में नशीले पदार्थ का उसका कारोबार है। 5 जुलाई को स्थानीय मादक पदार्थ विरोधी दस्ते ने दाबा नाका से न्यू काटो नाका के बीच छापामार कार्यवाही कर आरोपी अंकित राजकुमार गुप्ता, ऋतिक रितेश गुप्ता दोनों सतरंजीपुरा निवासी और ऋषभ प्रभाकर सोनकुसरे इतवारी निवासी को पकड़ा था। तलाशी के दौरान आरोपियों की कार क्रमांक MH43AJ6891 से 82 ग्राम 84 मिलीग्राम MT नामक ड्रग्स जब्त किया था। ड्रग्स की कीमत 8,28,400 रुपए और 3 लाख रुपए की कार ऐसे कुल 11,55,400 रुपए का माल जब्त किया था। पीसीआर के दौरान इन आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने ड्रग पैडलर मेहंदी हाशमी नजमुल सैयद और मामू मुंबई निवासी से यह ड्रग खरीद कर यहाँ लाया था। आरोपियों को मुंबई ले जाया गया। उनकी निशानदेही पर मामू को गिरफ्तार कर 8 जुलाई को नागपुर लाया गया। वह 16 तारीख तक पीसीआर में है। पूछताछ के दौरान मामू ने ड्रग पैडलर एंथोनी का नाम उकला है। मामू की निशानदेही पर मंगलवार को एंथोनी को भी गिरफ्तार कर नागपुर लाया गया। बुधवार को उसे अदालत में पेश कर 16 तारीख तक उसे भी पीसीआर में लिया गया है। प्रकरण में और भी गंभीर खुलासे होने की संभावना है। अपर आयुक्त सुनील फुलारी, उपायुक्त गजानन राजमानी, सहायक उपायुक्त भीमानंद नलावड़े, इनके मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक विशाल काले, सूरज सुरो से बद्रीनारायण तांबे, बलराम झाड़ूकर, प्रदीप पवार और नितिन मिश्रा ने कार्रवाई की है। 5 जुलाई रोजी पोलीस स्टेशन गिट्टी खदान येथे MD पकडण्याच्या संदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। नमूद गुन्ह्यामध्ये अंकित गुप्ता तसेच त्याचे 2 साथीदार त्यांना पकडण्यात आलं होतं। नमूद आरोपींचा आम्ही PCR प्राप्त केला। त्यांनी MD कुठून आणलेली आहे याबाबत तपास केला आम्ही। आरोपितांकडून प्राप्त माहितीवरून तसेच तांत्रिक माहितीवरून त्यांनी नमूद MD जी आहे 82 ग्राम ती मामू नावाच्या मुंबई येथील इसमाकडून घेतली असल्याचे आम्हाला तपासात निष्पन्न झाले। त्यानुसार आम्ही API सुरोषे यांचे पथक मुंबईला तत्काळ रवाना केले। त्याबाबत माननीय पोलीस उपायुक्त यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही तसे मुंबई येथून प्राप्त माहितीवरून आम्ही आरोपींना पकडले, मामू यास पकडले। त्यानंतर आरोपीबाबत माहिती घेतली। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।